नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं ब्रेकिंग न्यूज। छुट्टी नहीं देने पर बाबू ने जज के मारे थप्पड़, मजिस्ट्रेट को देख लेने की धमकी दी, कर्मचारी बोला एप्लीकेशन फेंक दी। छुट्टी नहीं देने पर बाबू की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एजी एसीजेएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। मजिस्ट्रेट की ओर से रीडर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इधर मामले में पुलिस अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। घटना झुंझुनू के खेतड़ी कोर्ट की शुक्रवार शाम की है। जानकारी के अनुसार खेतड़ी में एसीजेएम रिंकू कुमार ने रीडर विनोद कुमार के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया वह शुक्रवार शाम 4:10 बजे डाइस का काम निपटाकर अपने चैम्बर में गए थे। इस दौरान कोर्ट में कार्यरत बाबू राजमोहन वहां आया और 4 से 6 अप्रैल तक की छुट्टी मांगी। एसीजेएम ने राजमोहन से कहा कि डाइस का समय पूरा होने के बाद इस पर रिपोर्ट करवाकर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि इतना कहने पर बाबू को गुस्सा आ गया, उसने एसीजेएम को 5-6 थप्पड़ मार दिए और देख लेने की धमकी दी, साथ ही चैम्बर में फाइलें बिखेर दी। इधर बाबू ने भी रिपोर्ट दी लेकिन दर्ज नहीं की। इधर मामले में बाबू राजमोहन का कहना है कि उसकी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, इसके लिए उसे छुट्टी की जरूरत थी लेकिन उसे मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब वह छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर एसीजेएम के चैम्बर में गया तो उन्होंने एप्लीकेशन फेंक दी। इसके बाद वह भी थाने में रिपोर्ट देने पहुंचा लेकिन मामला तक दर्ज नहीं किया गया। मामले में खेतरी डिप्टी हजारीलाल खटाना ने कहा कि कोर्ट का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। वहीं रीडर विनोद ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब से बात करें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं बाद में लगे मेरे से और एप्लीकेशन फेंक दी, फिर वो गाड़ी के लोग सुनने लगे, थप्पड़ की मेरे मारा।